हे गाइस, सतीश हियर फ्रॉम एसके वेब स्टूडियो। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वीडियो फाइल के अंदर टेक्स्ट ऐड करना। मैं शॉर्टकट ओपन कर लेता हूँ। गाइस, इस मेथड से आप सब टाइटल्स भी लगा सकते हैं, सेम मेथड आप अप्लाई करके। जैसे कि अभी आप देखिए, इस वीडियो फाइल के अंदर अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी सब टाइटल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो प्ले कर दिए, मैंने इस वीडियो फाइल में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। सपोज कीजिए, मुझे स्टार्टिंग में जिस भी पार्ट के अंदर आपको वीडियो के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, अगर पूरी वीडियो के अंदर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी स्प्लिट मत कीजिए, ऐसे ही सेम एज इट इज़ छोड़ दीजिए। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर ही कर्सर लेके जाइए एंड स्प्लिट एट प्ले हेड, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड आपको जहाँ तक चाहिए ये, ठीक है, मान लो यहाँ तक मेरे को ऐड करना है टेक्स्ट, तो यहाँ से भी मैं स्प्लिट कर दूँगा। कीबोर्ड शॉर्टकट एस की भी आप करके कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस पार्ट को सेलेक्ट करके देन फिल्टर्स पे क्लिक करना होगा, देन इस प्लस साइन पे, वीडियोस पे, एंड इसके बाद में टेक्स्ट, टेक्स्ट फिल्टर, ये कर्सर ले आते हैं। स्टार्टिंग में ये टाइम कोड शो करता है, यहाँ से हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है। मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज अ फनी कैट वीडियो, ठीक है। एंड यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का, किस कलर का फ़ॉन्ट रखना है। एंड यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, कैसी स्टाइल रहेगी, कितना साइज़ रहेगा, ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड आउटलाइन, आउटलाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक आउटलाइन की, इसकी थिकनेस देखिए, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आउटलाइन बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं आउटलाइन हटा देता हूँ, मेरे को कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। एंड बैकग्राउंड क्या रखना है इसको, मैं कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। एंड इस टेक्स्ट का साइज यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। एंड और क्या इसके अंदर, ये यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, हॉरिजेंटल के अंदर यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, एंड वर्टिकल फिट में आपको मिडल में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देन आप इसको ड्रैग करके आप ऐसे कर रख सकते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर मैं, ठीक है, यहाँ रख दिया है। अब प्ले करके देखते हैं वीडियो को, ठीक है। टेक्स्ट ऐड हो चुका है इसके अंदर, एंड आपने देखा जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया था केवल उसी के अंदर टेक्स्ट ऐड हुआ है, ठीक है। एक और तरीके से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, मैं अंडू कर देता हूँ सभी, एक वीडियो ट्रैक ऐड कर लेते हैं, ओपन अदर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगा। देन यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको ये टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर आप वीडियो के ऊपर इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो अदर सेटिंग थी वो सेम रहेंगी, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। प्ले करके देखते हैं, ये देखिए गाइस। ये दो मेथड से ऐड कर सकते हैं आप टेक्स्ट। एंड आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को स्प्लिट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दो वीडियो के बीच में टेक्स्ट आए, तो आप जैसे कि यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं वीडियो को,
एंड देन इसको आप से ड्रैग कर सकते हैं एंड ये टेक्स्ट आप यहाँ डाल सकते हैं। सो एंड टेक्स्ट को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए रखना है आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, तो गाइस मैं ये आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे आपको रखना है वैसे जहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, एंड सेम इसी मेथड की मदद से आप सबटाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पार्ट सेलेक्ट कीजिएगा वीडियो का, किस पार्ट के अंदर आपको कैसे सबटाइटल्स रखना है, एंड पोजीशन आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।